इंट्रोगेटिव का है, इंट्रोगेटिव में पास्ट इंटरफेक्ट के डिड होता है पहले, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वी वन होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का नियम है। क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे तो वाज वी आर पहले हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, बाई होगा और सब्जेक्ट होगा, ये पैसिव का नियम है। जैसे हमने उदाहरण लिखा है, यहाँ देखिए डिड है, मोहन ईट ए गुआवा, डिड आपका ही हो गया, सब्जेक्ट हो गया मोहन, गिवन हो गया ये ईट आपका, और एक गुआवा आपका ऑब्जेक्ट है। फिर क्या है दूसरा उदाहरण देखिए, डिड है, सब्जेक्ट है यू, सो कहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट इज ब्रेड। अब देखिए इसको पैसिव बनाते हैं, गुआवा को इधर लगे तो सबसे पहले क्या होगा, वाज बियर में से कोई एक, अर्थात वाज ए गुआवा मित्र ईटन बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका मोहन है तो ये बाय मोहन, ये आपका बन गया पैसिव। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, डिड यू सो ब्रेड इन जूस, तो क्या हो जाएगा, ये आप सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो वाज ब्रेड सोक्ड बाई यू इन जूस। एक चीज और ध्यान देंगे, कभी कभी आपको ये प्रश्न मिल जाएगा इसके पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड अगर मिल जाएगा उस क्वेश्चन वर्ड को हम सेम ऐसे उतार लेंगे। जैसे देखिए हमने लिखा है कि हाउ डिड सी हेल्प द ओल्ड मैन, ये क्वेश्चन वर्ड है हाउ, तो क्वेश्चन वर्ड को ऐसे उतार लेंगे, फिर इस नियम को लगाएंगे, वाज द ओल्ड मैन थर्ड फॉर्म इज हेल्प्ड बाय हर, तो ये बन गया आपका पैसिव। ठीक इसी तरह से नेगेटिव बनता है इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और यहां ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। जैसे वाई Did he not chew tobacco? Double C O tobacco. क्या भाई सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट है, तो क्या करेंगे इसको पैसिव बनाने के लिए, ये पैसिव टोबैको है तो लिखेंगे टोबैको बाय वाई वाज टोबैको, ऑब्जेक्ट हो गया है, यहाँ हो जाएगा नॉट, च्यू का थर्ड फॉर्म च्यूड है, बाय सब्जेक्ट हो जाएगा हिम, इस तरह से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा।